नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे। भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत के निर्देश पर अशोकनगर कलेक्टर बाबू सिंह जामोद को मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते हटा दिया गया। साथ में उस समय की तत्कालिक मुंगावली SDM को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत को इस बाबत शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर एक कार्रवाई होते मुंगावली एवं कोलरस में मतदाता सूचियों में हुई धांधली के विरुद्ध आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर सबूत सौंपे। करने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है, जिस प्रकार से वोटर्स को लुभाने का और उन पर दबाव डालने का की साजिश हो रही है। हार सामने देखकर बौखलाए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी सरकारी अमला जिस प्रकार से अब वोटर लिस्ट में धांधलियां करने पर उतर आया है, इन सब की बाकायदा सबूत के साथ एक दरख्वास्त लेकर ये प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग के पास आया। चार महत्वपूर्ण पहलू हमने बताए। पहला, दोनों विधानसभाओं की जो वोटर लिस्ट है, एक विधानसभा की कोलारस की लिस्ट CD पर दी गई, दूसरी आज तक लिस्ट वहां की सरकार और चुनाव आयोग द्वारा दी ही नहीं गई। जब उस लिस्ट का अवलोकन किया गया तो 20,000 के करीब ऐसी फर्जी एंट्रियां हैं, जहां या तो एक ही वोटर 5 बूथ्स पर, यानी एक ही व्यक्ति की 5 अलग अलग बूथ्स पर वोट हैं, या फिर आप अगर उस लिस्ट का अवलोकन करें, हमने 224 पन्ने की एक CD दी है, उसमें ये मिला है कि एक व्यक्ति की फोटो है और उसी व्यक्ति की फोटो 20 वोटर्स के आगे है, ताकि वो 20 के 20 लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएं, क्योंकि एक फोटो पर 20 लोग तो वोट नहीं डाल पाएंगे। इस प्रकार की व्यापक धांधलियां वोटर लिस्ट में हैं। जब श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के नेताओं ने ये शिकायत चुनाव आयोग को की तो कई ऑफिशियल सस्पेंड करने पड़े, 1800 नाम काटे भी हैं, पर 20,000 वोटों की धांधली है। दूसरा, जिस प्रकार से चुनाव आयोग कलेक्टर वहां नोटिस जारी करते हैं मंत्री को, मंत्री धमका रही हैं कि अगर आपने वोट नहीं डाली भाजपा को तो फिर उसके बाद आप यहां का तरक्की का काम रोक दिया जाएगा, और वहां सरकार पहले ही क्लीन चिट जारी कर देती है कलेक्टर को भी और मंत्री को भी। मुख्यमंत्री चुनाव के बीच में 5 दिन चुनाव के रह गए आरक्षण देने का वायदा कर रहे और वहां के कलेक्टर SP का जो व्यवहार है वो सरकारी अधिकारी कम भाजपा के कार्यकर्ता अधिक नजर आते हैं। हमने उन दोनों अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से की, सारे साक्ष्य और सबूत दिए। चुनाव आयोग ने यह आश्वस्त किया है कि वो सारे साक्ष्य और सबूत देखकर इस धांधली और षड्यंत्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।